आदेश आदेश आदेश। आज विषय कृष्ण चरित्र का है, पुरुषोत्तम मास है, इसीलिए ऐसे तो मेरा विषय नहीं है और मैं कभी भी ऐसा प्रयत्न नहीं करता हूं कि कोई भगवान की बाबत में ज्यादा बोला जाए। मगर अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो मुझे बहुत आनंद होगा कि पुरुषोत्तम मास के अंदर कृष्ण चरित्र को थोड़ा बहुत बोला जाए। समझने की जरूरत है, नजरिया हर लेख का होता है, अलग अलग होता है, आप सब जानते हो। और एक ही शब्द में बोला जाता है कि कृष्ण भगवान वो भगवान है जो जेल में जन्मे, बाद में दूसरे दिन नंद बाबा के घर चले गए, वहां भी नहीं रहे मथुरा चले गए, मथुरा भी नहीं रहे द्वारका चले गए। ये प्रणाली दुनिया जानती है। और युद्ध के मैदान में अर्जुन को बोध पाठ दे के वो गीता की रचना की, महाभारत का बहुत अभिन्न अंग है। मगर आपने सबने कृष्ण की लीलाएं देखी है और बहुत नजदीक से देखी है। कृष्ण लीला एक बहुत समझने लायक प्रसंग होते हैं और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसलिए बोला गया कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कृष्ण ने गीता के अंदर आप देखो तो शुरुआत से अंत तक 18 अध्याय में हमको ये बताया कि आदमी को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, हर एक चीज का मुहावरा दिया है, कैसे जीना चाहिए, कौन सी प्रणाली होनी चाहिए, ये सब बोला है। मगर हम हिंदू धर्म के लोग अपनी प्रणालियां भूल गए हैं और हम कई जगह पे हम अपनी प्रणालियां भूल के दूसरों की प्रणालियों का अंधा अनुकरण करते हैं और अंधे अनुकरण के कारण हम अपने जो प्रणाली है, हमारी जो संस्कृति है, उसको कई न कई क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे कृष्ण की बात करें तो कृष्ण लीला की बात करें तो बहुत लीलाएं की, मगर फिर भी एक बात याद रखने की जरूरत है कि एक दफे दुर्वासा मुनि यमुना नदी के उस तट पर बैठे थे और उनके लिए भोजन लेके नंद बाबा के घर से गोपियां निकली। गोपियां वहां जाने की कोशिश कर रही थी, पानी बहुत बढ़ गया, तभी कृष्ण भगवान को गोपियों ने बताया कि कृष्ण भगवान आप समझाओ हमको कि हम नदी पार कैसे करें। कृष्ण भगवान ने कहा कि कृष्ण अगर सदैव ब्रह्मचारी हो तो यमुना मार्ग दे। ऐसे बोलने पर यमुना ने मार्ग दिया, सामने दुर्वासा मुनि को संतुष्ट किया, वापिस भी तो आना था। और तभी वापिस आने की बात हुई तब फिर से पानी नड़ रहा था, तभी दुर्वासा ने दुर्वासा को पूछा गया गोपियों के द्वारा कि क्या किया जाए। तभी दुर्वासा को गोपियों ने जब प्रश्न पूछा तो बताया कि मार्ग पाना है तो यमुना नदी को बोलो कि दुर्वासा सदैव उपवासी हो तो मार्ग दे, और दोनों टाइम मार्ग मिल गया था। आप क्या करते हो, कैसे करते हो, मगर यहां निष्काम भक्ति की बात की है। भक्ति कामना से अलग होनी चाहिए। हमारी भक्ति ये होती है कि भगवान को बोलते हैं कि हमको ये होगा तो 125 पेड़ा चढ़ा दूंगा, मैं भूखे मरूंगा, मैं अपवास करूंगा, मैं ये करने के लिए ये करूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि आप खाओ ना खाओ, आप उपवास करो ना करो, ये आपकी मन की बात है। और आप भगवान जो पुरुषोत्तम है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, या तो कोई भी भगवान हो, देवी देवता हो, इनको ये चढ़ाओ ना चढ़ाओ, भगवान को क्या फर्क पड़ता है।
मगर ये आस्था और श्रद्धा का विषय। हां, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो कुछ भी करते हैं वो अपनी मन की संतुष्टि के लिए करते हैं, ना दूसरों के लिए। हमेशा याद रखने की जरूरत है। और जगत के अंदर हम लोग कई जगह पे मूर्ख बनते हैं, हम भगवान को बंधन में लेने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये होता है, वो होता है, फलाना करना चाहिए, वो करना चाहिए। कभी भी शास्त्र के अंदर कई जगह पे बहुत बढ़िया चीजें लिखी है, उसका अमल करो। उपवास होते हैं, मगर उपवास अपने शरीर के संयम के लिए होते हैं। हर आपको व्रत ही लेना है तो ऐसा व्रत लीजिए कि मैं चार आदमी को कि तीन आदमी को कि तीन चार आदमी को भोजन करा के मैं करूंगा, ऐसा व्रत लीजिए ताकि दूसरे के जठराग्नि में या दूसरे के पेट में कुछ अन्न का दाना जाएगा तो वो आपके जीवन में फलदायी रहेगा। प्रणाली बदलिए थोड़ी, प्रणाली जो ओरिजिनलिटी है वो पे ले जाइए। हमारी परंपरा है अतिथि देवो भवः, और हम उस परंपरा से हट जाते हैं। कृष्ण की बात करते थे, फिर से कृष्ण की बात भूल जाएंगे, वापिस कृष्ण की बात ही करेंगे। लोग बोलते हैं कृष्ण बहुत बहुत लीला की, मगर आपने कभी एक और पहलू देखने की सबको जरूरत है। कृष्ण चरित्र का बहुत एक अभिन्न अंग वो है कि आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने जब मथुरा गए तो वृंदावन की गोपियों को मनाने के लिए दूत को भेजा गया। तभी गोपियों ने बताया था हमको तो हीरे की जरूरत है, पत्थरों के से काम नहीं चलेगा। और तो गोपियों को दुख हुआ, उसका वर्णन है, मगर क्या गोपियों को छोड़ने के समय कृष्ण को दुख नहीं हुआ होगा? नंद यशोदा को छोड़ने के समय के कृष्ण को दुख नहीं हुआ होगा, मगर लोक कल्याण के लिए अपने लोगों को दूर करके और जरा भी लीला या माया में भ्रमित हुए बिना दुखी हृदय से कृष्ण गए हैं। बहुत खुश होके नहीं गए हैं, ये समझने वाली बात है। इन्होंने अपना दुख को गर्व किया। जब जब भी वक्त आया तब वो बहुत दुखी हुए, और जब जब ग्लानिता का अनुभव हुआ, ये दुख का जब शंभु मेला हो गया तो जब द्वारिका में उनका अंत समय था तब वो बहुत व्यथित हुए थे। और एक इतना सारा झमेला, रुक्मणी से लेके सब थे, तो भी इतना सारा झमेला होते हुए भी कृष्ण व्यथित थे, और इतने व्यथित थे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये अकेलापन बहुत महसूस करते थे। देखो ये कृष्ण के चरित्र की बात है, अगर कृष्ण के जीवन में ये होता है तो क्या हमारे जीवन में नहीं हो सकता है? हो सकता है। हम बहुत जल्दी व्यथित हो जाते हैं। कृष्ण से सीखने की ये जरूरत है कि हमको अपने दुख को किनारे रख के कि और अपने हर एक की रोने की बातें किनारे रख के अपने को सही रास्ता अपनाना चाहिए, अपने को उसी दिशा में जाना चाहिए कि कैसे जगत कल्याण की बातें हो सके। हम जगत कल्याण की बात भूल गए, हम राष्ट्रवाद भूल गए, हम सब भूल गए, हम अपने में संकुचित हो गए। ऐसी भक्ति नहीं होती है कि घर में एक डब्बा भरा है, इसमें लाडोड़ी भरी है ठाकुर जी के प्रसाद के लिए, और ठाकुर जी को प्रसाद देने के लिए लाडोड़ी भरी है तो घर में कोई बच्चा मांगता है तो वो बोले ठाकुर जी के लिए आपको नहीं मिलेगी, ऐसा करके वो ठाकुर जी को संभालो, वो जीवन है, वो भूल जाते हैं। और कई दफे तो मैंने ये भी देखा है कि स्त्री अपना धर्म नहीं निभाती है, और मैं क्षमा करना कुछ स्त्री को कुंठित हृदय से या कोई स्त्री को अपने दुखद बात बताता हूँ, मगर कोई स्त्री को टीका करने का मेरा अधिकार नहीं है। मगर ये बात सही है कि आप भगवान के आडंबर में चले जाते हो तभी आप अपने आपके अपने परिवार के लोगों को भूल जाते हो, और वो जो धर्म है अपने परिवार को संभालने का उससे परे हो जाते हो। आप सबसे बड़ा धर्म ये है कि आप अपने घर को संभालो स्त्रियों के लिए, और सबसे बड़ा धर्म दूसरा ये है
कि आप अपने संतानों को सही मार्गदर्शन दो, ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों के पास संतान रहते हैं और सही दिशा में उसको संस्कार देना काम स्त्रियों का है। कई दफे हम थोड़े बहुत विचलित हो जाते हैं और बोलते हैं क्या हम बुद्धू हैं, हम जमाने से कंधा मिलाना चाहते हैं। स्त्री सक्षम है, शक्ति है और इसलिए बोला है स्त्री पूजनीय है और स्त्री का पूजनीय स्वरूप हम सबको स्वीकार करना चाहिए। मगर पूजनीयता इसी होनी चाहिए कि जगत के अंदर सब कल्याण की भावना से देखे। एक एक बहुत उच्च कक्षा का पात्र है। इसलिए शास्त्र के अंदर दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर नाम स्तोत्र है, कभी ध्यान से पढ़ना। इनके अंदर दुर्गा के नाम आते हैं, इसके बाद नव दुर्गा के नाम आने के बाद में बोला जाता है कुमारी च कन्या च युवती अति यति अप्रौढ़ा च प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी गौर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी। यानी जो भी स्वरूप में स्त्री है, विधवा जगदा अबला सबको प्रणाम बोला है। समझने की जरूरत है, हम पुरुषों का भी कसूर है, वो अपने घर में जो लक्ष्मी होती है उनको कुंठित नजर से देखते हैं। वो आपके घर आई लक्ष्मी पराए घर की एक समय अमानत थी, वो कोई ऐसी नहीं है कि वो आपके घर में नौकरानी खरीद के लाए हो, उस विचार से बाहर निकलिए। आपको समाज के अंदर सुदृढ़ और अच्छा जीवन चाहिए ना, तो सबसे पहले अपने घर के अंदर सुदृढ़ता और समृद्धता लाइए। समाज ऑटोमेटिक और बाय इज्जत मैं बोलता हूं कि क्रमशः समाज पूरा सुधर जाएगा। हम अपना आंगन साफ नहीं रखते हैं और लोगों के आंगन के सामने देख के बोलते हैं कि वो तो बहुत कचरा करता है। हाँ मैं मानता हूं, मगर आपके आंगन का कचरा कौन साफ करेगा, वो तो आपको ही करना है। सब समझ जाएंगे, सब मान जाएंगे तो सही में पुरुषोत्तम मास की मजा कुछ और होगी। पुरुषोत्तम माशाह उत्तमम अधिक से अधिक फलम, इस मास में अनुष्ठान करने से भी बहुत फल मिलता है। मगर हम लोग अपनी स्वच्छंद जीवन में भौतिकता में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारी परंपरा हमारी नीति रीतियां हम भूल जाते हैं। मैं सीधे सीधी बात करूं आपको, जीवन के अंदर सब चरित्र को देखा गया, रामचरित्र को भी देखा है, शिव चरित्र को भी देखा है, कई चरित्र हैं, त्याग की भावना स्वरूप हनुमान चरित्र को भी देखा है और गुरु शिष्य प्रणाली ने हमें गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ जैसे महान हस्तियों के चरित्र को भी अभ्यास किया है। मोहम्मद पैगंबर साहब का भी चरित्र देखा है, बाइबल में जीसस क्राइस्ट का भी चरित्र देखा है, मगर कोई चरित्र किसी को हानि पहुंचाने को नहीं बोलता है। हर चरित्र का कहना है कि जीवन को उद्देश्य की ओर ले जाओ, जीवन को मस्ती की ओर ले जाओ, जीवन कल्याणक होना चाहिए, जीवन किसी के लिए उपयोगी होना चाहिए, ये संकुचितता छोड़ो। आज दुख होता है कई जगह पे जाके, अनाथ आश्रमों में जाते हैं तो दुख होता है, हम लोग कई जगह पे वृद्धाश्रमों में जाते हैं तो दुख होता है। ये समाज की परिस्थिति कहां टूटी, मानता हूं किसी को संतान ना हो तो ये वृद्धाश्रम में जाते हैं, मानता हूं चलो होता है समय की अनुकूलता है, मगर जिनको है, जिस माँ बाप ने छह छह सात सात संतान को बड़ा किया, वो छह सात संतान क्या एक माँ बाप को नहीं संभाल सकती, और बाद में मंदिरों में दान देते हैं वो संतान, माँ बाप वृद्धाश्रम में सड़े रहते, क्या काम वो धर्म का। और आडंबर वाली भक्ति, ये बहुत कड़वा शब्द है मेरा, हम लोग जो भक्ति करते आडंबर वाली भक्ति, भक्ति वो ज्ञान का विषय है और ज्ञान पाने के लिए एकांत चाहिए, ज्ञान पाने के लिए अपनी मस्ती में जीना चाहिए, ज्ञान पाने के लिए दिखावा नहीं करते। हम सौ दफे बोलते हमने तो नवरात्र किए, हमने तो ये अनुष्ठान किए, हमने तो ये अनुष्ठान किए, क्या जरूरत है टेंडेरा पीटने की, क्या जरूरत है, आप अपने लिए कर रहे हो, अपने कल्याण के लिए कर रहे हो, लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। काय के लिए लोगों को बताते हो, ये आडंबर भक्ति है, आप लोगों को बताते हो, आप लोगों को दर्शाते हो, मैंने इतने पुस्तक पढ़ लिए, मैंने ये पढ़ लिया, अरे क्या जरूरत है।
हाँ जहां जरूरत है तो वो व्यवहार में लाओ, आपके जीवन में लाओ, उसको उतारो। पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, स्कंद पुराण पढ़ लो, सब पढ़ लो, मगर पढ़ने के बाद क्या? जब तक जीवन के अंदर 18 पुराण हिंदुस्तान के अंदर बसे हुए, हिंदू प्रणाली के अंदर 18 पुराण है, 4 वेद है और कई और चीजें हैं, मगर उस पुराणों को, उस चीजों को अपने जीवन में जब तक ना उतारा जाए तब तक वो पढ़ना व्यर्थ है, ऐसा मेरा मानना है। जीवन हंसी खुशी जीना है, हर जगह कटुता है वो निकाल दो, जीवन को मस्ती से जीना है। वही कृष्ण के पास सीखना है हम कि हमारे दुख दर्द लोगों के पास गाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ अगर ही करना है तो अपनी जात को उत्तम बनानी है तो आप लोगों के लिए कुछ करना चालू कर दीजिए, समाज के कल्याण के लिए कुछ करना चालू कर दीजिए। आप जरूरी नहीं कि पैसे से ही किसी का कल्याण हो सकता है, मन से, धन से, कर्म से कई प्रकार है, कोई किसी को अच्छी वाणी से भी दिलासा मिल सकता है। इसमें से कोई रास्ता अख्तियार करे, मन में से कटुता निकाल के हमको मस्त जीवन जीना है और अपनी सोडम, अपनी सुवास लोगों के अंदर सदैव रहे, ऐसा करना चाहिए। यही सच्ची कृष्ण भक्ति है। ना गीता पढ़ने से ज्ञान आता है, ना भागवत पढ़ने से ज्ञान आता है, मगर ज्ञान अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाते नहीं हो तब तक वो पढ़ा हुआ व्यर्थ है। पढ़ा तो बहुत है, पाइथागोरस का नियम है, हम 10वीं कक्षा में पढ़े थे, उत्कलन बिंदु कहाँ आता है, कैसे आता है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम करते हो इसका? फोर्स का नियम है न्यूटन का, ग्रेविटी का लॉ है, ये सब लॉ है, मगर ये लॉ को जब तक हमारे जीवन में उपयोगिता में नहीं लाते, हम पढ़े हैं मगर हमने कभी जीवन में इसको उपयोग नहीं किया है, और उपयोग नहीं होता है तो वो ज्ञान उपयोगी नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कृष्ण चरित्र को अपने जीवन में कहां कहां फिट होता है वो देखो, कहां हम गलत है उसको सुधारो, वो जरूरी है, ना कि दूसरों को सलाह देने से ये कृष्ण की भक्ति होती है, ये नहीं होती है। आपको मेरी ओर से प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को पुरुषोत्तम मास के अंदर पुरुषोत्तम स्वरूप बनाओ, ऐसी शुभकामना। अस्तु, शुभम भवतु, आदेश आदेश आदेश।